पीएम मोदी ने कहा, आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, छोटे छोटे शहरों में कस्बों से भी उद्यमी सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास अच्छा आइडिया है वो धन बना सकता है। कुछ दिनों पहले मुझे तांजुवर सेल्फ हेल्प ग्रुप ने तांजुवर डोल भेजी थी। तांजुवर डोल महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले देश ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो हम सभी को प्रेरणा देती, भारत के सामर्थ्य के प्रति हम सभी का विश्वास जगाती। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। बैठक में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनाव में यूपी में 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सीएम योगी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कहा कि 2024 में 75 सीटें जीतने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों को घर घर पहुंचाना होगा। योगी ने कहा कि 2024 के चुनाव की जमीन में हमें अभी से तैयार करनी होगी। 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में यूपी का बड़ा योगदान होगा। उत्तर प्रदेश शासन ने रविवार को 7 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। बुलंदशहर, देवरिया, अंबेडकर नगर, कानपुर आउटर, हमीरपुर, मैनपुरी और रायबरेली में नए पुलिस कप्तान की तैनाती की गई है। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात अपर पुलिस आयुक्त अनिल कुमार सिंह को हटा दिया गया। अनिल अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। सपा नेता आजम खान की रविवार को तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें सीने में दिक्कत बताई जा रही। विभिन्न मामलों में सीतापुर जेल में बंद आजम खान 20 मई को जमानत पर रिहा हुए थे, तब से ही वे काफी अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र में कहा, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं जिनका भविष्य पहले अंधकार में था, ऐसे ही हरियाणा में लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। एक मौका दीजिए, हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों को बदल कर रख दूंगा। मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में की। राष्ट्रपति ने आज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसी क्रम में शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल से बात की। इस दौरान पुतिन ने कहा कि पश्चिमी और यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन को जो हथियारों की आपूर्ति की जा रही उससे युद्ध का खतरा और बढ़ सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने खिलाफ दर्ज 16 अरब पाकिस्तानी रुपए धन शोधन मामले में शनिवार को एक विशेष अदालत में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने वेतन तक नहीं लिया और उन्होंने ऐसा मजनू होने के कारण किया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।